हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। हमारी जो एनसीईआरटी में 38 चैप्टर्स हैं, प्लस वन और प्लस टू के सभी चैप्टरों को मिलाकर हम आज हर एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम जो सीईटी हमारा होने वाला है पीजीआई में रोहतक के लिए, नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, उसमें आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द बॉडी सेगमेंट्स इन अर्थवर्म इज कॉल्ड। जो अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामर्स। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइटेनियस एक्सोस्केलेटन इज पोजेस्ड बाई। जो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है वो किसके पास होता है? वो अर्थ्रोपोड्स के पास काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है। और जो हमारा काइटिन होता है, जो अर्थ्रोपोड्स एनिमल्स होते हैं उनका जो काइटिन होता है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से बना होता है, ये आपने याद रखना है। विच फंक्शन इज द सर्व्ड बाई द ट्रेकियल सिस्टम ऑफ दैट। जो इंसेक्ट का ट्रेकियल सिस्टम होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है इंसेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एयर ब्लैडर इन फिशेज हेल्प इन। जो फिशेज में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जो कि उनकी स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं और भी कई फंक्शन होंगे, जैसे रेस्पिरेशन, साउंड प्रोडक्शन एंड हाइड्रोस्टेटिस। हाइड्रोस्टेटिस होता है मतलब तैरने में जो हेल्प करते हैं उनको, वाटर में जो वो स्टैटिक रह सकती हैं विदाउट सिंकिंग, इसे कहते हैं हाइड्रोस्टेटिस। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ फिशेज। स्टडी ऑफ फिशेज इज नोन एज इस्थियोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव, निशल्स ग्रैन्यूल्स आर प्रजेंट इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरोन्स। एक न्यूरोन्स होता है, न्यूरोन्स के पार्ट्स होते हैं जैसे साइटोन, एक्सोन एंड डेंड्रियट्स। निशल ग्रैन्यूल्स जो होता है हमारा वो साइटोन्स या जिसे हम सेल बॉडी कहते हैं वहाँ पर प्रजेंट होता है। द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन एक्सोन ऑफ वन न्यूरोन एंड डेंड्रियट्स। जहाँ पर दो न्यूरॉन्स जुड़ी होती हैं, एक साइड जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम डेंड्रियट्स कहते हैं और दूसरी साइड जो एक्सोन होता है अदर न्यूरॉन का, वो दोनों मिलकर साइनेप्स बनाते हैं जिसे हम जंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव, जो द काइटेनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज पॉलीमर ऑफ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पॉलीमर ऑफ नाग, NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एप्लीकेशन एप्लीकेबल फॉर RNA। इनमें से कौन सा जो इफेक्ट है जो RNA पर लागू नहीं होता है, जो इसका आंसर बनता है वो हमारा होता है चारगफ्रोल, जो कि RNA पर एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि RNA एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और उस पर चारगफ्रोल हमारा काम नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव, एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज ए कॉम्पोनेंट। जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, और एक्टिव फॉर्म होती है इसकी ट्रिप्सिन, जो कि एक पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम है। और ये एक्टिवेट किसके द्वारा किया जाता है? एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो कि इनिशियली इसको एक्टिवेट करता है, जो कि इंटेस्टाइनल जूस का एक पार्ट है। द फूड डैट एंटर इंटू इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक। जो स्टमक से एसिडिक फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट ड्यूओडेनम पार्ट होता है उसमें जाता है, तो उसको हम एसिडिक काइम कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव, विच फैक्टर अफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएशन होती है, जो कि एक टिश्यू लेवल पर या फिर जो सेलुलर लेवल पर होती है, वो उसको कौन कौन प्रमोट करता है? उसको प्रमोट करने के लिए देखो, सबसे पहले जो हमारा फैक्टर है वहाँ पर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम होगी तभी तो फिर वो हीमोग्लोबिन से ब्रेक करके टिश्यू में जाएगी, सेल्स में जाएगी। और लो पीएच, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड उसको ऑक्सीजन को हटा देती है। हाई टेम्परेचर भी ऑक्सीजन के डिसोसिएशन में फेवर करता है। हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म। जो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्यों मिलती है? बिकॉज जो सोलबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा है।
Next we have each hemoglobin molecule has 4 heme group. The heme group consists of 4 polypeptide chain, 2 alpha and 2 beta. In adults, erythropoiesis occurs in, जो erythropoiesis होता है मतलब production of RBCs, वो adult में कहाँ पे होता है? Adult में red bone marrow में होता है. Initially जो infant होता है जिसमें 1 to 3 month के लिए जो erythropoiesis होता है yolk sac में होता है, उसके बाद कुछ time के लिए liver में और finally ये red bone marrow में erythropoiesis होता है. और erythropoiesis जो है वो किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होता है? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स जो कि किडनी में बनता है. ग्रैनुलोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन, ग्रैनुलोसाइट किस में बनती है? ग्रैनुलोसाइट बोन मैरो में फॉर्म होती है. नेक्स्ट वी हैव हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद डैश कैविटी. जो ह्यूमरस होती है हमारी जो हैंड की बोन होती है, बड़े वाली जो बोन होती है ह्यूमरस, उसका जो हेड होता है वो ग्लिनोइड कैविटी में जुड़ा होता है स्कैपुला के साथ. और एस्टेबुलम कैविटी जो हमारी फीमर होती है वहाँ पर जो पेल्विक ज्वाइंट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है. एंड नेक्स्ट वी हैव क्रॉस मैच बिटवीन द ईयर ओसिकल्स एंड देयर शेप. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकस होती है वो एनविल शेप होती है, मेलिस इज हैमर शेप एंड स्टेप्स इज स्ट्रप शेप. और इनमें से स्टेप सबसे छोटी बोन है. एस्ट्रस साइकिल इज इंडिकेशन ऑफ, जो नॉन प्रीमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ओस्ट्रस साइकिल होता है जो कि एक ब्रीडिंग पीरियड का इंडिकेशन होता है. और एस्ट्रस साइकिल इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ, इट इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन प्राइमेट एनिमल्स. एंड जो प्राइमेट होते हैं जैसे ह्यूमेंस, उनमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. विच इन्ग्रीडियंट इज प्रजेंट इन हायर कंसनट्रेशन, जो हमारा जेनेटिकली मोडिफाइड राइस था उसमें कौन सा कॉम्पोनेंट रिच था? सबसे पहला ऑप्शन इसमें प्रोटीन, नहीं. कार्बोहाइड्रेट, नो. बीटा कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीनॉइड इसलिए क्योंकि जो हमारा जीएम रिच ये जो राइस था उसमें विटामिन ए ज़्यादा थी और विटामिन ए को ही हम बीटा कैरोटीनॉइड कहते हैं. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इसमें से हमें इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है तो इसका आंसर बनता है 4. ये आपने याद रख लेने हैं, बायोटेक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको तीनों को हमने याद करना है. और एक चीज़ और, इसमें जो क्राइजीन होता है वो एक इंसेक्ट के अंदर जब जाता है तो उसको एक्टिवेट होने के लिए एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होता है. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट जैसे एग्जामों में भी पूछा जा चुका है. इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज कैटलाइज्ड बाय टैग पॉलीमरेज. टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि थर्मस एक्टिविस नाम के बैक्टीरिया से हम आइसोलेट करते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर पर स्टैंड करता है, वर्क करता है. वो इसमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? PCR का ये क्वेश्चन है. इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डीनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट. देखो ये हाई टेम्परेचर होता है वो डीनेचुरेशन कॉज करता है. एनालिंग ऑफ प्राइमर ये नहीं करता है. एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट DNA एक्चुअली वो पॉलीमराइजेशन कॉज करता है. तो इसका थर्ड आंसर इज राइट आंसर. हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड एज नोबल प्राइज. PCR के लिए नोबल प्राइज किसको मिला था? PCR इज डिस्कवर्ड बाई कैरीमुलिस. एंड नेक्स्ट वी हैव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एनिमल प्रोडक्ट्स. द पश्मीना वूल्स इज ड्राइड फ्रॉम कश्मीरी गोट्स एंड सातोस इज द किंग ऑफ वूल. अंगूरा इज द टाइप ऑफ वूल विच इज ड्राइड फ्रॉम रैबिट. एंड सिप से जो हमें सुपीरियर क्वालिटी का जो कारपेट वूल मिलता है. इफ ए कैटल शोविंग इंक्रीज रेस्पिरेशन, अगर एक कोई कैटल है वो उसमें जो उसका जो रेस्पिरेशन रेट है हाई है एंड ब्लड मिक्स्ड जो उसके झाग निकलते हैं मुंह से जो फोमी मिक्स्ड विद ब्लड फ्रॉम माउथ एंड नोज एंड एनस, वो जो कैटल है वो किस डिजीज से सफ़र हो सकती है? एंथ्रेक्स इसका राइट आंसर है. सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड
टू सफरिंग फ्रॉम एड्स, कोई पेशेंट है वो एड्स का हमें सस्पेक्ट है ये लग रहा है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं? उसको डायग्नोस करने के लिए हम एलाइजा का यूज़ करते हैं। एलाइजा विच स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ये जो कि एक एंटीजन एंटीबॉडीज़ बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि जो अगर किसी ह्यूमन्स में एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर चुकी है, तो उन एंटीबॉडीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ एंटीजन्स डिटेक्ट कर लेते हैं और इसी को हम एलाइजा कहते हैं। अदर टेस्ट जैसे विडाल है, विडाल हम टाइफॉइड के लिए यूज़ करते हैं, एमआरआई को हम कैंसर वगैरह डिटेक्ट करने के लिए और इंटरनल इमेजिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड आल्सो इज़ यूज फॉर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ द बॉडी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन और डिजीज के रिस्पेक्ट में हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सर्टेन प्रोटोजोआन हैव बीन यूज्ड एज अ मास प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। देखो, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए हम पहले तो प्रोटोजोआन का यूज नहीं करते, ये स्टेटमेंट गलत है। इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीविनोम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज ए एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ये एक पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड हमारे पास एंटीबॉडीज होती है वो हम इंडिविजुअल को देते हैं। इफ़ ड्यू टू सम रीजन बी एंड टी लिम्फोसाइट आर डैमेज, जो हमारी बॉडी की अगर किसी रीजन से किसी कोज से अगर बी और टी लिम्फोसाइट अगर डैमेज हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें एंटीबॉडी की प्रोडक्शन नहीं होगी, बिकॉज बी सेल होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं और टी सेल इसकी इसमें हेल्प करती हैं। इंजेक्शन ऑफ डेड इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस कॉज पैसिव इम्यूनिटी, नहीं, ये एक्टिव इम्यूनिटी कॉज करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी नहीं कॉज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन से है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी होता है, बिल्कुल रट्टू वाला क्वेश्चन है, इसको आपने याद कर लेना है। मोस्ट रिसेंट इनमें से कौन सा है? सो होमो सेपियन इज द मोस्ट रिसेंट। जो अदर नेम है उनकी क्रेनियल कैपेसिटी भी आपको आपने याद कर लेनी है। जैसे ये नेक्स्ट एक क्रेनियल कैपेसिटी पूछी है नीडलथल मैन की, और जो कि 1400 सीसी हमारा आंसर होगा। अमोंग द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच कैन रिगार्डेड द मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड ईजिली रिवर्सिबल। अब देखो, यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव भी पूछा है और साथ में रिवर्सिबल भी पूछा है, तो कॉस्ट इफेक्टिव और रिवर्सिबल इसमें हमारा कॉपर टी बनता है, क्योंकि जो ट्यूबोक्टोमी है, वैसोक्टोमी है, दीज आर नॉन रिवर्सिबल। एक बार जो किसी अगर मैन या वुमेन पे ये जो प्रोसीजर हो गया तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं होता। ओके, एंड स्टरलाइजेशन मेथड, दिस बोथ आर द स्टरलाइजेशन मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन रिलीजेस आई इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, इनमें से कौन सा आईयूडी ऐसा है जो कि हॉर्मोन रिलीज करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा LNG-20। अगर हम कॉपर टी की बात करें, कॉपर टी जो कॉपर आयन रिलीज करता है, और वो कॉपर आयन्स क्या करते हैं? स्पर्म की मोर्टिलिटी को कम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द पाथवे ऑफ द स्पर्म इन द टेस्टिस, एंड दैट इज ए फैक्ट, आंसर इज थर्ड। सबसे पहले हमारा होता है सेमी फेरस ट्यूबल, फिर रेटा टेस्टिस, फिर वेसा एफरेंसिया, एपिडिडमिस, वेसा डिफरेंस, एजेकुलेटेड डिक्ट एंड यूरेथ्रा। तो अगर हम जो वेसेक्टमी प्रोसीजर जो डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं उसमें वेसा डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। अब ये नेक्स्ट एक मैच है, इसको हम कैसे करेंगे? जैसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, किसने दिया था? कार्लस लिनेस ने दिया था। जेनरिक नेम है, जैसे पेंथेरा है, पेंथेरा लियो, पेंथेरा इज ए जेनरिक नेम, मतलब जो जीनस है, जीनस का नेम है। स्पीसीज इसमें जैसे लियो, टिग्रिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव फैमिली, मस्किडिया इज ए फैमिली, बिकॉज जो इसका सुफिक्स है वो आइडिया है और आइडिया हम फैमिली के लिए यूज करते हैं। सिस्टम ऑफ नेचर इज ए बुक आल्सो रिटन बाई कार्लस लिनेस। जीनस इज ए कैटेगरी, अब जीनस किस किस के बिटवीन आता है? जीनस के जो एक साइड होता है स्पीसीज और दूसरी साइड होता है फैमिली, सो फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव दिस टू पिक्चर्स, दिस ए इज TMV टोबैको मोजाइक वायरस एंड सेकेंड इज बैक्टीरियोफेज। एज यू नो, यहाँ पर हम जो इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे,
सो जो TMV होता है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ये एक RNA वायरस है, और जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनमें DNA वायरसेस होते हैं। नेक्स्ट वी हैव लिवर रोड्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, जो लिवर रोड होता है उसमें ये गिमाइक कपल्स होते हैं और उनमें फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है। डैश इज यूज बाय गार्डनर्स, जो गार्डनर्स होते हैं वो मॉइस्चर के लिए, मतलब जो ट्रांसपोर्ट करते हैं जब किसी भी प्लांट का, तो मॉइस्चर के लिए वो किसे यूज करते हैं, जो स्पैग्नम जिसे हम पीट मॉस कहते हैं उसे यूज करते हैं। इन मॉसेस द सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन, जो मॉसेस होते हैं उनमें सेक्स ऑर्गन होते हैं वो लीफी स्टेजेस में पाए जाते हैं। और एक ये जो मॉर्फोलॉजी का, प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है उसका बेस्ट क्वेश्चन है फ्लावर मॉर्फोलॉजी से, इसे आपने याद कर लेना है। जो शेप है, जैसे सबसे पहले एस्टिवेशन की बात करें हम तो वेलवेट, ये दूसरी ट्विस्टेड और वेक्जलरी एंड इम्ब्रिकेट टाइप, और इनके एग्जांपल और ये इनकी शेप नेम सब याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। स्टोमेटा आर द कंपोनेंट ऑफ, जो स्टोमेटा होते हैं वो एक एपिडर्मल टिशू का पार्ट होते हैं, क्योंकि जो एपिडर्मल जो सरफेस पे जो टिशू होते हैं उन्हें हम एपिडर्मल टिशू कहते हैं। और अदर ऑप्शन है जैसे ग्राउंड टिशू नहीं है इसका ऑप्शन ठीक। कंडक्टिव टिशू में जैसे जाइलम और फ्लोएम है, वो नहीं है इसका आंसर। वैस्कुलर टिशू आंसर नहीं है। जो स्पेशलाइज सेल होती हैं एपिडर्मल सेल, जो गार्ड सेल के पास प्रेजेंट होती है स्टोमेटाज में, उन्हें हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स उन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आप सभी को पता ही होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल्स, ATP प्रोडक्शन। अब ये नेमिंग डायग्राम देखो माइटोकॉन्ड्रिया का, जैसे ये सबसे पहले वाली है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स एंड इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, और एक क्रिस्टा होती है, जो फोल्डिंग्स होती हैं इनर मेम्ब्रेन की, इन्हें हम क्रिस्टा कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ओके, और इसके बारे में थोड़ा नीचे डिटेल दिया गया है, ये आप पढ़ लेना एक बार। एंड अवर क्वेश्चन वॉज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम, जो सेल की मॉर्फोलॉजी अगर हमें स्टडी करनी है तो हम मेटाफेज पे करेंगे, और अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो हम एनाफेज में करेंगे। टेम्परेली सस्पेंडेड शेप ऑफ जो डिप्लोटीन ड्यूरिंग द मियोसिस वन, जो डिप्लोटीन ड्यूरिंग द मियोसिस वन टेम्परेली सस्पेंडेड स्टेज होती है डिप्लोटीन, इसमें होती है। द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम, अगर हमें मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है क्रोमोसोम्स की तो हम मेटाफेज में करेंगे, और अगर शेप स्टडी करनी है तो एनाफेज में करेंगे। टेम्परेली सस्पेंडेड स्टेज ऑफ प्लोटीन ड्यूरिंग द म्यूसिस वन, तो म्यूसिस वन में होती है किस स्टेज में, जो जैसे ऊसाइट होती है फीमेल में गैमेटोजेनेसिस के टाइम, वो एक स्टेज पर आके अरेस्ट हो जाती है जिसे हम डिप्लोटीन स्टेज कहते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट आंसर इसका यही होता है, क्योंकि जैसे ये थर्ड ऑप्शन ये गलत किया हुआ है। डिप्लोटीन इज द स्टेज वेयर ऊसाइट्स ऑफ सम वर्टिब्रेट आर अरेस्टेड। इन माइक्रोएजा द फंगल फिलामेंट्स हेल्प, फंगल फिलामेंट के एसोसिएशन होती है कुछ प्लांट्स में, वो किस लिए होती है, वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए होती है। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम इन्वॉल्व्ड, नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है जाइलम का, वो किस में हेल्प करता है, एपोप्लास्टिक पाथवे, जो वाटर अब्जॉर्प्शन का पाथवेज होते हैं जैसे
सिम्प्लास्ट जिसमें सेल के अंदर से वाटर होकर जाता है, और एपोप्लास्ट जिसमें सेल वॉल तक ही वाटर सीमित रहता है। वाटर रिच इज अप टू जाइलम फ्रॉम रूट हेयर, जो रूट हेयर में जब वाटर ट्रांसपोर्टेशन होती है, वाटर अब्सॉर्प्शन होता है, तो वो दोनों टाइप्स होता है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। एंड नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन C4 प्लांट एंड C3 प्लांट। और C3 प्लांट और C4 प्लांट में डिफरेंस ये होता है कि जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें फर्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है वो RUBP होता है, और C4 में PEP पैप होता है। तो इसका सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द C4 प्लांट, इनमें से C4 प्लांट कौन सा है, C4 प्लांट इनमें से मेज है। डेथ ऑफ लीफ टिश्यू इन द प्लांट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, लीफ टिश्यू की नेक्रोसिस या डेथ किस मिनरल्स के न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी से हो सकती है। इसका सबसे पहला आंसर है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये दोनों बहुत ही एसेंशियल हैं, क्योंकि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के बिना जो प्लांट की सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं होगी। और मैग्नीशियम आपको पता है क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है प्लांट में, उसका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एक मैग्नीशियम है। अगर प्लांट की सेल वॉल नहीं बनेगी, अगर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं बनेगा, तो फिर नेक्रोसिस तो होगी, प्लांट की डेथ ही होना इसमें लाजमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ विच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट कॉज इनिबिशन ऑफ द सेल डिवीजन इन द प्लांट। सेल डिवीजन की प्लांट में इनिबिशन किस की डेफिशिएंसी होती है, तो इनका जो आंसर है फर्स्ट नाइट्रोजन, पोटासियम एंड सल्फर। ये आपने याद कर लेने हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है हर बार। वेयर डज द ETS अकर इन अवर बॉडी, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहाँ होता है हमारी बॉडी में, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, जिससे ATP का प्रोडक्शन होता है। हाउ मैनी कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में 4 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच हॉर्मोन स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। देखो ये एमरजेंसी हॉर्मोन कह लो इसको, जो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जब वाटर ज़्यादा लॉस होता है प्लांट का, तो उस टाइम पे ABA जो हमारा एब्सिसिक एसिड है वो एक मेन स्ट्रेस हार्मोन इसमें रोल प्ले करता है, और ये क्रॉस मैच है हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन के लिए हेल्प करता है, साइटोकाइनिन हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, इथाइलिन हेल्प इन रूट हेयर फॉर्मेशन, एंड ABA इन द सीड डेवलपमेंट। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन सीन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखो अब मेनली जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें ही होती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कम देखने को मिलती है, तो इसका एग्जांपल होता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ पी। अगर देखो पी में अगर सेल्फ पोलिनेशन और ये नहीं होता, तो फिर मेंडल इस पर एक्सपेरिमेंट कैसे करता, तो थोड़ा हाथ सोच के आंसर करना। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ये बिल्कुल सही है, पैन से एंडोस्पर्म बनता है, ये भी बिल्कुल सही है, ओवरी फ्रूट बनाती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन रह गए ये फोर्थ वाला, इंटेगमेंट होती है, जो हमारा ओव्यूल होता है उसकी जो वॉल होती है इंटेगमेंट, वो पेरिकार्प नहीं बनाती, जो पेरिकार्प बनाती है, जो फ्रूट की वॉल्स होती हैं जैसे पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, वो ओवरी की वॉल्स से बनी होती है, न कि ओव्यूल्स की वॉल्स से। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, आपको पता ही है इसमें बनाना है। और जो एप्पल के बारे में, एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट विच डेवलप्ड फ्रॉम द थैलेमस अदर देन द ओवरी। इन एंजियोस्पर्म
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस जो एंजियोस्पर्म होते हैं हमारे, उनमें इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों में लागू होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज यू नो प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन एंड मेल गैमेटोफाइट एंड इन मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड अब ऑप्शन देखते हैं अकर इन ओव्यूल्स। देखो दोनों में से एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ओव्यूल्स में थोड़ी होगी, वो तो एंथर में होती है, अकर इन एंथर। अब मेगास्पोरोजेनेसिस एंथर में नहीं हो सकती क्योंकि एंथर मेल पार्ट है, ओव्यूल्स इज ए फीमेल पार्ट। फॉर्म गैमिट विदाउट फर्दर डिवीजन, क्यों नहीं होगी इनमें फर्दर डिवीजन, बिल्कुल होगी, गैमिट भी बनेंगे। इन्वॉल्व मियोसिस, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि दोनों में मियोसिस इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट वी हैव द टर्म लिंकेज कॉइन बाई, लिंकेज टर्म किसने कॉइन की थी, थॉमस हंट मॉर्गन ने कॉइन की थी। नेक्स्ट वी हैव ए प्लायोट्रोपिक जीन, जो प्लायोट्रोपिक जीन होते हैं, प्लियोट्रोपिक कह सकते हैं मुझे, ये वो जीन होते हैं जो कि मल्टीपल ट्रेड्स एक इंडिविजुअल में कंट्रोल करते हैं। इन क्लासिक एक्सपेरिमेंट, इनमें से कौन सा जो मेंडल ने यूज नहीं किया, ये क्वेश्चन एक पहली वीडियो में भी आया था, वहाँ पर हमने इसका आंसर फ्लावर पोजिशन दे दिया था गलती से, बट अब मैं इसको करेक्ट करता हूँ, इज अ पोर लेंथ इज द करेक्ट आंसर। और किसी ने मेरे को कमेंट में बोला भी था कि सर ये क्वेश्चन आपने आंसर इसका गलत किया, बिल्कुल मैंने एक्सेप्ट किया, मगर गलत हो जाता है कई बार ध्यान न रहने के कारण, तुमसे भी होते हैं क्वेश्चन गलती, पेपर में सभी से होते हैं, ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स, बहुत सारी सिली मिस्टेक होती है, इवन 6-7 तो मिस्टेक्स हो ही जाते हैं पेपर में, तो सिली मिस्टेक्स आपने भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। एंड नेक्स्ट वी हैव टेलर कंडक्ट, जो टेलर थे उन्होंने जो सेमी कंजर्वेटिव जो हमारा रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, उसके लिए क्या किया था, थ्योरी दी थी, वो किसके ऊपर बेस्ड थी, जो सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो विक्का फाबा बीन्स पे किया गया था। द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, इसका आंसर है 2 सिस्ट्रोन, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉस मैच है, जैसे एस्पार्जिलस नाइगर से क्या बनता है, सिट्रिक एसिड हम प्रोड्यूस करते हैं, क्लोस्ट्रिडियम बोटैलिकम से हम ब्यूटेरिक एसिड बनाते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड, एंड लैक्टोबैसिलस का सभी को पता ही होगा लैक्टिक एसिड। क्लियाडो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट भरतपुर राजस्थान विच इज़ फेमस फॉर द साइबेरियन क्रेन्स, जो साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं बहुत लंबी डिस्टेंस तय करके, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ये उनके लिए फेमस होता है। एल्टीट्यूड सिकनेस विच इंक्लूड द नोजिया फैटिक एंड द हार्ट पल्पिटेशन, जो एल्टीट्यूड सिकनेस होता है वो एटमोस्फियरिक प्रेशर कम होने के कारण होता है, जिससे ऑक्सीजन कम हो जाती है वहाँ पे, और इसके कंपनसेटरी जो हमारी बॉडी क्या करती है, RBCs ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो इसका आंसर होता है एल्टीट्यूड सिकनेस नोजिया फैटिक इज ड्यू टू एटमोस्फियरिक प्रेशर, लो एटमोस्फियरिक प्रेशर एंड हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है इसलिए होता है। विच इज़ द नोट इफेक्ट ऑफ द एसिडिक रेन, इनमें से किसी भी पॉन्ड में कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो कि नोट एन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का इफेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर होता है इंक्रीज इन ग्रोथ इन ग्रीन एल्गी। ए केमिकल वीड इन ट्रोपोस्फियर एंड प्रोटेक्टेंट एंड स्ट्रेटोस्फियर, देखो इसका मतलब ये है कि एक केमिकल है जो कि एक एज ए वीड, मतलब एक वीड की तरह काम करता है, किसमें, ट्रोपोस्फियर में, जो हमारी एनवायरनमेंट की लेयर होती है एटमोस्फियर की, ट्रोपोस्फियर में, तो वो हमारे एक वीड का काम करता है, मतलब एक बैड एलिमेंट का काम करता है, बट स्ट्रेटोस्फियर में वो हमें प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसा क्या है, ओजोन, ओजोन जब हमारे ट्रोपोस्फियर में बन जाती है तो वो हमारी बॉडी को
नुकसान पहुंचाती है, बट स्ट्रेटोस्फीयर में ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है। यूट्रोपिकेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यूट्रोपिकेशंस के बारे में इनमें से कौन सा गलत है, मतलब और तो सही है, एक ये बताओ कि जो गलत है। सो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है हमारा हैवी ग्रोथ ऑफ बीजीए। ब्लू ग्रीन एल्गी की बिल्कुल हैवी ग्रोथ होती है यूट्रोपिकेशन में, राइट है। डिक्रीज्ड डीओ, डिजोल्ड ऑक्सीजन हमारी डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही बात है ये भी। डेथ ऑफ सबमर्ज्ड ऑर्गेनिज्म, जो हमारे जो जलीय जीव होते हैं उनकी डेथ होती है, ये भी बिल्कुल सही राइट ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन हमारा बनता है फाइनली डिक्रीज COD, दिस इज द राइट ऑप्शन विच स्टैंड फॉर COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये कह रहा है कि फाइनली जो हमारी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाएगी, बट ये बढ़ती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड थ्रेटन्ड एनिमल्स आर द केप्ट आउट ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जो नेचुरल हैबिटेट से किसी भी एनिमल्स को हम अपनी स्पेशल सेटिंग में रखते हैं। तो इसका आंसर होता है जूलॉजिकल पार्क, जहां हम जंगल से जो जंगली जीव होते हैं उनको लेकर एक जू में रखते हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और सोशल अवेयरनेस के लिए भी उनको हम रखते हैं। देखो बोटनिकल गार्डन में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बोटनिकल गार्डन में हम जो प्लांट लगाते हैं वो वहीं पर लगाते हैं। हम ये नहीं है कि कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का कोई भी एक प्लांट है, जैसे कोई उसको हम वहाँ से जंगल से उखाड़ लाएंगे और हमारे बोटनिकल गार्डन में लगा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बायस फिर वायर रिजर्वायर भी इसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो जूलॉजिकल पार्क है वो एक एक्सिटिव कंजर्वेशन में आता है। गैमिट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड द फर्टाइल कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टर्म। देखो हम विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं और उसका टेम्परेचर होता है -196 या फिर 192, इस ये भी हमारा एक एक्सिटू प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन में का पार्ट है क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। तो हम जो गैमिट्स होते हैं उनको हम क्रिप्टो प्रिजर्वेशन की हेल्प से अलाइव रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कौन कन्वर्ट करता है, जैसे अर्थवर्म, ये भी नहीं करता क्योंकि ये प्लांट्स नहीं खाता। गोट क्या है, प्लांट्स को खाती है और उसको एनिमल मैटर में कन्वर्ट करती है। टर्माइट्स होते हैं, टर्माइट्स क्या करते हैं, टर्माइट्स जो वुड होता है हमारा उसको खाते हैं। फ्रॉग, फ्रॉग बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्रॉग्स लगभग इंसेक्ट को खाता है। तो हमारा जो हर्बीवोर एनिमल है गोट इसका राइट एग्जांपल होगा। प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट बाय ओशियन इज लो बट मोर इज द कवरेज। तो इसका आंसर होता है हमारा दो। मिनरलाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय, मिनरलाइजेशन इसमें से कौन परफॉर्म करता है, जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो मिनरलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और जो पढ़ाने का जो मेथड है मेरा इन क्वेश्चंस को वो पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।